Hello my dear friends, I'm Roshni and I welcome you all to our channel. Here we are learning to improve our vocabulary, our grammar and our English speaking skills. Alright, so today the class is going to be extremely important. आज का जो class है वो बहुत ही important है. ये इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसे sentences और phrases जिसको आप आई डोंट अंडरस्टैंड और आई डिडंट अंडरस्टैंड के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं. ओके, यू कैन यूज दीज वर्ड्स. ओके, यू कैन यूज दीज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू कन्वे यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट आर दोज लाइंस. ओके, लेट्स बिगिन. सो आवर फ्रेज फॉर टुडे इज आई डिडंट अंडरस्टैंड. इसका मतलब है मुझे समझ में नहीं आया. आपने जो भी मुझसे कहा वो मुझे समझ में नहीं आया. ऑलराइट, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये कन्वर्सेशन हो रहा है. ओके, ये नहीं कि आप टेलीविजन से कुछ सुन रहे हैं और आप रिप्लाई कर रहे हैं. नहीं, ये जो भी वर्ड्स मैंने लिखा वो आप उसी को बोलेंगे जिससे कि आप सुन रहे हैं. उसने जो भी बोला आपको सुनाई नहीं दिया या फिर आपने नहीं समझा. ऑलराइट, तब आप ये वर्ड्स बोलेंगे, ये तब आप ये फ्रेजेस बोलेंगे. ओके, तो आपको ध्यान में देना है कि जब हम लोग कन्वर्सेशन में है किसी के साथ, ओके, विथ अ पर्सन और विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑलराइट, एट दैट टाइम वी कैन यूज दीज वर्ड्स टू कन्वे दैट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड. हमको समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया. तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड, सॉरी. अगर आप सॉरी कहते हैं किसी ने कुछ कहा, जैसे I stay in Canada, right? उसने कहा कि वो कनाडा में रहता है लेकिन आपको समझ में नहीं आया. I didn't understand. किसी वजह से कनाडा जो वर्ड है वो प्रोनाउंस अच्छे से नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी. ठीक है, अगर आप सिर्फ सॉरी कहते हैं तभी ये मैसेज कन्वे हो जाएगा कि आपको उसने जो कहा वो समझ में नहीं आया. ओके, या फिर आप सॉरी के साथ ये सभी फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं. ओके, सॉरी I missed that. ओके, सॉरी आपने जो बोला वो मिस कर गई मैं या कर गया मैं. राइट, तो आप प्लीज रिपीट कीजिए. ओके, नेक्स्ट इज I didn't catch that. आपने जो कहा वो मैं कैच नहीं कर पाया या पाई. ओके, तो उसको आप प्लीज रिपीट कर दीजिए. अगर आप इतना कहते हैं तभी ये कन्वे होगा कि आपको समझ में नहीं आया जो सामने वाले ने बताया. ओके, फर्स्ट इज सॉरी, देन आई मिस्ड दैट, देन आई डिडंट कैच दैट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फ्रेज एंड दैट इज आई डिडंट गेट दैट. ओके, प्रोनाउंसिएशन विल बी आई डिडंट गेट दैट. मुझे समझ में नहीं आया. ओके, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया. मे बी जो टॉपिक पे बातें हो रही थी वो टॉपिक आपसे रिलेटेड नहीं था जिसकी वजह से वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया. ओके, तो आप बोलेंगे आई डिडंट गेट दैट, मुझे समझ में नहीं आया. ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, चलिए नेक्स्ट फ्रेज पे. आई डिडंट हियर यू, मुझे सुनाई नहीं दिया. ओके, मुझे सुनाई नहीं दिया. किसी वजह से आपको अगर सुनाई नहीं दिया और आप चाहते हैं कि वो रिपीट करे तो आप बोलेंगे सॉरी आई डिडंट हियर यू. अगर आप ये बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि आप चाहते हैं कि वो जो पर्सन है वो फिर से रिपीट करे जो भी सेंटेंस उसने बोला है. ओके, ओके, नेक्स्ट इज आई डिडंट फॉलो दैट. आई डिडंट फॉलो मतलब जब हम लोग किसी किसी को फॉलो करते हैं तो साथ साथ चलते हैं ना, तो किसी ने कुछ कहा और आप उसके संग संग नहीं चल पाए, यानी कि वो बोल रहा है लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए एट द सेम टाइम, तो आप बोलेंगे आई डिडंट फॉलो दैट. ओके, मैं आपको फॉलो नहीं कर पाई, प्लीज आप रिपीट कीजिए. राइट, आई डोंट फॉलो, ये सेम सिमिलर है दीज टू. ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये पास्ट टेंस में है और ये प्रेजेंट टेंस में है. राइट, ओके, आई एम नॉट फॉलोइंग. आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा. मे बी आप हॉलीवुड मूवीज नहीं देखते हैं तो कोई बात कर रहा है टॉम क्रूज के बारे में,
एंजेलिना जॉली के बारे में, तो आप बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, ओके, आई एम नॉट फॉलोइंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एट दैट टाइम वी यूज आई एम नॉट फॉलोइंग, वी विल नॉट से आई एम नॉट फॉलोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू से दैट, वी विल से आई एम नॉट फॉलोइंग, ओके, आई एम नॉट फॉलोइंग, इट्स शॉर्टन्ड विद एन एपोस्ट्रोफी मार्क, सो वी हैव टू pronounce it in a shorter form only. Okay. Next is, what was that? What was that? Kya, kis bare mein aapne bataya abhi? Mujhe samajh mein nahi aaya. Okay. What was that? Kya tha wo? Okay. Ye kya tha wo? Jab aap bolenge, tabhi pata chal jayega, aapko samajh mein nahi aaya. To samne wala kya karega? Wo repeat karega. Alright. Next. What did you just say? प्लीज आप रिपीट कर दीजिए, व्हाट डिड यू जस्ट से। तो ये सभी लाइंस के थ्रू हम ये कन्वे कर सकते हैं, आई डिडंट अंडरस्टैंड, ओके। तो आई होप द लेसन वाज क्लियर टू यू ऑल। आप नेक्स्ट टाइम से ये नहीं बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड, आप बोलेंगे सॉरी आई मिस दैट, सॉरी आई डिडंट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन, आई डिडंट गेट दैट, कुड यू प्लीज कम अगेन। Come again is also similar to, you know, फिर से बताइए मुझे। Come again का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आप फिर से आएंगे या फिर से आपको आना है, आप इसके लिए भी कन्वे करते हैं come again को, ताकि आप किसी चीज का रिपीटेशन चाहते हैं, ओके। I didn't follow that, please come again, okay? I don't follow, could you please repeat that? I'm not following. I'm not following. Please change the topic. Okay? I'm not following. Please repeat the topic. What was that? Please. What was that? Explain it to me. What did you just say? आपने अभी क्या कहा? Please repeat that. What did you just say? Could you please repeat that? Okay? So, if you use these words, your English is going to be, you know, English is going to be of higher standard. The listener will understand that you are not at beginner's level, okay? You have upgraded yourself to a little bit higher level so that people can understand your feelings better, okay? So we will wind up today's class here, and friends, in our next video we will learn how to clarify our doubt, okay, how to make a request, and how to use few more words which are extremely essential for our day-to-day conversation. All right, till then we meet, take care and have a good day.